हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम करने वाले हैं जेटको युवा लाइट प्रोजेक्टर का फुल रिव्यू जेटको युवा जेटको युवा प्लस जेटको युवा ए प्लस के बाद में जेटको ब्रांड ने जेटको सीरीज का एक और प्रोजेक्टर लॉन्च किया है जो कि है जेटको युवा लाइट जेटको ब्रांड ने युवा सीरीज के जितने भी प्रोजेक्टर लॉन्च किए हैं सभी प्रोजेक्टर का रिव्यू मैंने किया हुआ है और सभी प्रोजेक्टर अपने प्राइस के हिसाब से एक से बढ़कर एक है जेटको युवा लाइट की बात करें तो ये प्रोजेक्टर भी इस प्राइस के हिसाब से एक जबरदस्त प्रोजेक्टर है तो क्या है इस प्रोजेक्टर में खास और क्या है इसके हाइट फीचर्स सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले करते हैं इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग तो इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आपको प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर मिलने वाला है जिसके अंदर आपको के अलावा एक रिमोट एक पावर केबल एक एच केबल एक एवी केबल एक मैनुअल गाइड और वन ईयर की वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगी प्रोजेक्टर के सामने की तरफ इमेज करेक्शन लेंस जिसमें आपको लेंस प्रोटेक्शन कैप मिल जाएगा प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट जैसे एक एवी पोर्ट एक हेडफोन पोर्ट दो एच पोर्ट दो यूएसबी पोर्ट और उसके नीचे आपको एक बड़ी सी हीट वेंटिलेशन ग्रिल देखने को मिल जाएगी प्रोजेक्टर के सामने की तरफ और बैक साइड में रिसीवर प्रोजेक्टर के राइट right साइड में आपको एक छोटी सी डस्ट फिल्टर और पावर पोर्ट मिल जाएगा प्रोजेक्टर के टॉप में पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ आपको चार रबर फुट एक हाइट एडजस्टिंग नोब और एक ट्राइपोर माउंट थ्रेड मिल जाएगा प्रोजेक्टर फुल व्हाइट कलर में है और कॉम्पैक्ट साइज में है लुक एंड डिजाइन की बात करें तो देखने में ये प्रोजेक्टर काफी बढ़िया है दोस्तों आप बात कर है इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स क्या है इस प्रोजेक्टर में खास दोस्तों ये प्रोजेक्टर नेटिव वाला एक फुल एच डी बेसिक प्रोजेक्टर है ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें आपको आईओ एस स्क्रीन कास्ट यूएसबी लाइटनिंग केबल के साथ में आप कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक फोकस और इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन कनेक्शन मिल जाएगा एंड्रॉइड प्रोजेक्टर नहीं है तो इसमें आपको फोर पॉइंट की स्टोन कनेक्शन नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्टर से किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ फाइव पॉइंट वन मिल जाएगा जैसे इस प्रोजेक्टर के साथ आप ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करना

करें तो ये प्रोजेक्टर आपको ग्यारह तो तो हजार अब बात करते हैं का पड़ेगा तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर मेरे बारा बारा के कमरे में हंड्रेड एंड सिक्स के वो हंड्रेड एंड सिक्स इंच का है इन लाइट ब्रांड का आपको प्रोजेक्टर के साथ अगर प्रोजेक्टर स्क्रीन भी परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे जो कि मैं अपने होम सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए यूज किया हुआ है जैसे कि प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर स्क्रीन एमजोन फाइव टीवी स्टीक होम थिएटर सिस्टम तो सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको वीडियो लाइटिंग साथ साथ आप कंडीशन तो में, में, में भी जैसे की कमरे में अगर नाइन वाट का लाइट ऑन है तब भी जो है विजिबिलिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है डार्क में तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस तो अच्छी है ही साथ ही साथ कलर कॉन्ट्रेस और पिक्चर क्वालिटी भी काफी बढ़िया है जेट युवा सीरीज के जितने भी प्रोजेक्टर है उसी के लेवल की है ब्राइटनेस की कोई भी कमी आपको नजर नहीं आएगी इवन इस प्रोजेक्टर से आप वन इंच के आसपास का भी स्क्रीन बनाते हैं जिसमें दो सौ इंच वन फिफ्टी या टू हंड्रेड स्क्रीन बनाते हैं तब भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये कह सकते हैं कि ये एक बेसिक प्रोजेक्टर है और भाई हमें तो चाहिए एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर तो दोस्तों मार्केट में मिलने वाले वाले किसी भी बजट रेंज का आप अगर एंड्रॉइड प्रोजेक्टर परचेस करते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ गिने चुने एंड्रॉइड के बेनिफिट मिल सकते हैं जो इस प्रोजेक्टर में शायद आपको ना मिले जैसे कि आपको बिल्ड यूट्यूब के साथ साथ एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसमें प्रोजेक्टर में में सिर्फ आप हाई रेजुलेशन वाले कॉन्टेंट देख सकते हैं मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट जैसे प्राइम नेटफ्लिक्स हॉट या आईपीएल मैच देखने के लिए जियो वगैरह यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको हाई रेजुलशन देखने को नहीं मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट को आपको हाई रेजुलेशन में देखना है तो कहीं ना कहीं आपको फाइव टीवी स्टिक लेना ही पड़ेगा तो इस प्रोजेक्टर में भी आपको जो है एक्सटर्नल डिवाइस के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है फोर पॉइंट की स्टोन करेक्शन नहीं है मगर डिजिटल की स्टोन करेक्शन मिल जाता है जिससे आप काम चला सकते हैं बाकी किसी भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट से इन परफॉर्मेंस की बात करें चाहे यूजर एक्सपीरियंस की बात हो या फिर पिक्चर क्वालिटी परफॉर्मेंस की बात हो तो आपको एक्सटर्नल डिवाइस पे ही बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और सार्प इमेज देखने को मिलेगा और मैं अपने हर वीडियो में सभी भाइयों से यह कहता हूँ कि प्रोजेक्टर के साथ आपको एक्सटर्नल डिवाइस जरूर कनेक्ट करना चाहिए बेहतरीन रिजल्ट और यूजर एक्सपीरियंस के लिए तो इस प्रोजेक्टर के साथ में भी ऐसी ही है आप अगर यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट देखना चाहते हैं या फिर अपने फोन के स्क्रीन को भी मिररिंग करना चाहते हैं तो एमेजोन फाइव टीवी स्टी अगर आप यूज करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और इस प्रोजेक्टर पे मैंने जितने भी वीडियो कंटेंट प्ले किया है आपको दिखा रहा हूँ सभी मैंने अपने एमेजोन फाइट टीवी स्टिक कनेक्ट करके ही दिखा रहा हूँ जिसमें क्वालिटी और क्लैरिटी काफी मार्केट में रेंज में आ जाता है जेटको युवा लाइट ये वो प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस ऑटो की स्टोन तो नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक फोकस और डिजिटल की स्टोन मिल जाएगा जो कही कहीं ना कहीं ऑटो फोकस ऑटो की स्टोन करेक्शन की कमी को इस प्राइस रेंज में आपको दे रहा है इन सभी चीजों के बाद में एक फीचर जो है इस प्रोजेक्टर में मुझे कमी लगी वो है इसके इनबिल्ड स्पीकर को लेके दोस्तों है इस प्रोजेक्टर का स्पीकर का प्लेसमेंट है हो सकता है इसके से। इस प्रोजेक्ट के थ्रू उतनी लाउड आवाज नहीं सुनने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं इसके इनबिल्ड ऑडियो आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्टर में थोड़ी सी कमी मुझे नजर आई मगर दोस्तों आप लोगों से एक चीज और भी कहना चाहूंगा आप अगर कोई भी प्रोजेक्टर अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए सेटअप करते हैं और आपको एक थिएटर वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो कम से कम एक होम थिएटर सिस्टम भी आपके होम सिनेमा एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए लगाने की जरूरत पड़ेगी ही चाहे प्रोजेक्टर के इनबिल स्पीकर में कितना ही अच्छा साउंड क्यों ना हो एक थिएटर वाला माहौल क्रिएट करने के लिए होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करने की जरूरत जरूर ही पड़ेगी हर प्रोजेक्टर में और भाई आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है तब भी आप पांच से सात हजार के रेंज में एक बढ़िया साउंड बार ले सकते हैं तो भाई कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो बारह हजार के रेंज में आपको एक ऐसा प्रोजेक्टर मिल रहा है जिसमें आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस पिक्चर क्वालिटी कलर कॉन्ट्रेस्ट और शार्प इमेज मिल जाती है इसके अलावा इस प्राइस रेंज में आपको इलेक्ट्रॉनिक फोकस डिजिटल की स्टोन करेक्शन जैसे ऑप्शन मिल जा रहे हैं यह ऐसा पहला प्रोजेक्टर है जो आईओ मिररिंग वो भी यूएसपी लाइटनिंग केबल के साथ में आप अपने आईओएस फोन को स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं आप अगर भी करते हैं तो उसके लिए भी मैं करता हूं कि आप यूज़ करें। तो ये जरूर परचेज करें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए वैसे आपको एंड्रॉइड प्रोजेक्टर ही लेना है तो इसका प्रीवियस मॉडल जेको युवा ए प्लस जो कि एंड्रॉइड वर्जन में आता है उसको भी आप ले सकते हैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों ये था जेटको युवा लाइट प्रोजेक्टर का फुल रिव्यू उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद